हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। आपके सप्लीमेंट्री रीडर का 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। इसका हमने एमसीक्यूज करा दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने क्लास के चेक करके उसे देख सकते हैं। और आज इस वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो दोस्त, आपको बता दें कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जो है, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को लर्न करके राइट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द हैप्पी प्रिंस वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, यानी हैप्पी प्रिंस ठोस सोने से बना था। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। सेकेंड नंबर है, द स्वालो अलाइटेड एट द हेड ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, यानी हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के सिर पे अबाबिल अवतीर्ण था, यानी अबाबिल था। तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अबाबिल तो अलग से आया था। थ्री नंबर है, जस्ट एज द स्वालो वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, यानी जैसे ही अबाबिल अपना सिर अपने पंख के नीचे रखती थी, पानी की एक बूंद उसके ऊपर गिर पड़ी। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, क्योंकि वो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस रोया, उसके आंखों से आंसू आए तो उसके ऊपर गिरा। फोर्थ नंबर है, द वीपिंग प्रिंस क्विट ड्रेंच्ड द स्वालो, यानी रोते हुए राजकुमार ने अबाबिल को काफ़ी गीला कर दिया। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, काफ़ी रोने लगा। फाइव नंबर, फार अवे थ्रू द विंडो ऑफ अ हाउस द हैप्पी प्रिंस कुड सी अ वुमन सिटिंग एट द टेबल, यानी दूर घर की खिड़की से हैप्पी प्रिंस को एक महिला टेबल पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सिक्स नंबर है, द बॉय वॉज आस्किंग हिज मदर मैंगोज, यानी लड़का जो है अपनी माँ से आम मांग रहा था, बट सी हैड ऑरेंजेस टू गिव हिम, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए संतरे थे। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। सेवन नंबर है, पासिंग बाय द कैथेड्रल टावर द स्वालो सा स्कल्पचर्ड वाइट मार्बल एंगल्स, यानी गिरजाघर के टावर से गुजरते हुए अबाबिल ने सफ़ेद संगमरमर के स्वर्ग दूतों की मूर्ति देखी। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। एट नंबर, द स्वालो फेल्ट वार्म, यानी अबाबिल ने गर्म महसूस किया, फॉर ही हैड डन अ गुड एक्शन, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। नाइन नंबर है, व्हेन द सन रोज, यानी जब सूर्य निकला या सूर्य उगा, द स्वालो फ्लेव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो अबाबिल वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के गया। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। टेन नंबर है, इन द गैरेट ऑफ द यंग मैन, यानी युवक के गैरेट में, है ना, युवक के गैरेट में, बिसाइड द टेबल, यानी मेज के पास, द पेपर्स वर इन द गैरेट, यानी कागज जो थे वो गैरेट में थे। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। इलेवन नंबर, द हेयर ऑफ द यंग प्ले राइट वॉज ब्राउन एंड क्रिस्प, यानी युवा नाटककार के बाल जो थे वो भूरे और कुरकुरे थे। कुरकुरे मतलब जो खरा बाल होता है, खरे थे। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ट्वेल्व नंबर है, द प्रिंस आस्क द स्वालो टू टेक द अदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, यानी राजकुमार ने अबाबिल को दूसरे मणि को युवा नाटककार जो था उसके पास ले जाने के लिए कहा। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। थर्टीन नंबर, द सफायर्स वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स ago, यानी नीलम को 1000 साल पहले भारत से बाहर लाया गया था। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। फोर्टीन नंबर है, द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आइज, यानी अबाबिल ने राजकुमार की आँख निकाल ली, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और वह नौजवान जो जवान था, जवान के चोखे की ओर उड़ गया, यानी चोखे मतलब उसका जो गैरेट था उड़ गया। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। फिफ्टीन नंबर है, आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो बट नोबडी माइंडेड, कह रहा है कि मैं मिस्र जा रहा हूँ, अबाबिल ने यह बात पुकारा, क्राइड द स्वालो बट नोबडी माइंडेड, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू।
सिक्सटीन नंबर है द मैच गर्ल वोर ब्लैक शूज एंड पिंक स्टॉकिंग्स, यानी माचिस वाली जो लड़की थी है ना, काले रंग के जूते और गुलाबी मोजा पहना था। ये फाल्स है, दिस इज फाल्स। सेवनटीन नंबर है व्हेन द वॉचमैन शाउटेड एट द लिटिल बॉय, यानी जब वॉचमैन ने उस छोटे बच्चे पर चिल्लाया, दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, तो वह वर्षा में भटक गए। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। 18 नंबर है द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू किस हिम ऑन हिज हैंड, यानी खुश राजकुमार ने अबाबिल को अपने हाथ पर चूमने के लिए कहा। ये फाल्स है, दिस इज फाल्स। दे मेल्टेड द स्टैचू एज वेल एज द लीडन हार्ट इन अ फर्नेस, यानी उन्होंने मूर्ति और शीशे के हृदय को भट्ठे में पिघलाया। ये फाल्स है, दिस इज फाल्स। 20 नंबर है द लिटिल बर्ड वॉज ग्रांटेड गॉड्स गार्डन ऑफ पैराडाइज, यानी नन्ही चिड़िया को परमेश्वर का स्वर्ग का बगीचा दिया गया, यानी भगवान के स्वर्ग का बगीचा दिया गया। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने एक दोस्त के पास इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।